आने वाली है। राखी का शुभ त्योहार हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे खास होता है। इस राखी के त्योहार में भाई, जी हाँ, बहन के हाथों से अपनी कलाई में राखी बांधकर उनको वचन देते हैं कि वो उनकी जिंदगी भर रक्षा करेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक बीवी ने राखी बांधकर अपने पति की रक्षा करी? वाकई चौंकाने वाला है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों क्यों राखी का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर ऐसी कौन कौन सी कहानियां हैं जो राखी के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है कि राखी सबसे पवित्र बंधन है जो अपने भाई और बहन के रिश्ते को सबके सामने जग जाहिर करता है। लेकिन एक पत्नी ने राखी बांधकर अपने पति की जान बचाई, उसकी रक्षा करी, ऐसी कौन सी कहानी थी? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राखी आ रही है, सभी राखी को बड़ी ही खुशियों से मनाते हैं। भारत अतुल्य देश है और इसके त्योहार भी ऐसे ही अतुलनीय ही है। एक दूसरे की भावनाओं को संपन्न त्याग, ये सब इन त्योहारों के पीछे होते हैं। राखी, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहन के पवित्र प्रेम को समर्पित है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का बंधन देता है। मिठाई खिलाई जाती है, सुंदर सुंदर राखियां आज पूरे भारत में कहीं भी मिल जाएगी। वहीं राखी की तैयारी भी लोग कई महीनों पहले ही शुरू कर देते हैं। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती है, फिर भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं। साथ ही वो वचन देते हैं कि वो अपनी रक्षा आजीवन करेंगे। बस हमें यही सब पता है, पर आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों, जी हाँ, कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत कराने जा रही हैं जो राखी से जुड़े होने पर भी आपको शायद नहीं पता होंगी। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें। राखी क्यों मनाई जाती है? एक बार की बात है, देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवों पर दानव हावी होने लगे। इससे इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास गए। जब इंद्राणी, जी हाँ, इंद्राणी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कर उसे पवित्र कर इसे देवराज के हाथ में बांध दिया। जिस दिन ये कार्य किया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तब देवराज ने अपने ऊपर आए इस संकट को टाला था और युद्ध में विजय हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन ये प्रथा चली आ रही है। वहीं इतिहास में जाकर देखें तो इस त्योहार की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले हुई थी। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास में हमें मिल जाएंगे। इसकी शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हिमायू का है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिमों के मध्य युद्ध चल रहा था। तब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा का कोई रास्ता ना निकलता देख हिमायू को राखी भेजी। तब हिमायू ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, उन्हें बहन का दर्जा दिया और पूर्णता सम्मान दिया। वही महाभारत के अनुसार एक बार जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ पतंग उड़ा रहे थे तो उनकी उंगली कट गई थी और उसमें से रक्त बहने लगा। पांचाली ने जब ये देखा तो उसने अपनी साड़ी का छोड़ फाड़ कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। पांचाली के इस अतुलनीय प्रेम को देखकर बदले में कृष्ण उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन दिया। और जब भी भारी समस्या सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वही छोड़ भगवान ने इतना बड़ा कर दिया था कि दुशासन उसे हरण नहीं कर पाया। भगवान ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की और द्रौपदी का चीर हरण बचाया। तब से भी रक्षा सूत्र का काफी महत्व बना हुआ है। वहीं आपको बात करती है रक्षा बंधन का एक खास मंत्र है। इस मंत्र के पीछे भी एक रोचक कथा है, वो कुछ इस प्रकार है। राजा बलि की दान वीरता काफी माननीय थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु ने वामन का रूप धर राजा बलि से वामन अवतार में कुछ मांगा तो राजा बलि ने प्रश्न होकर जो चाहे मांगने को कहा। वामन ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि उनके मन के भाव को भाप गए और उन्हें 3 पग भूमि दे दी। वामन भगवान ने जब 1 पग से स्वर्ग को दूसरे पग से पृथ्वी मापी तो 3rd पग को रखने के लिए जगह नहीं रही। तब राजा बलि ने कदम अपने शीश पर रखने को कहा। ऐसी भक्ति भाव और दानव वीरता से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वचन लिया कि वो उनके साथ पाताल में रहे। उनके साथ पाताल लोक में रहने की भगवान को
उनकी बात रखनी पड़ी और उनके साथ पाताल में रहने लगे। अब लक्ष्मी जी को जब पता चला तो वो काफी खिन हो गई। अब वो सोचने लगी कि भगवान को इस वचन से कैसे मुक्त किया जाए। उन्होंने ये उपाय किया कि वेश बदल कर रक्षा सूत्र लेकर बलि के पास गई और सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांध कर यानी राखी बांध कर उन्हें भाई बनाया। जब वो भाई बन गए तो राखी के बदले उपहार मांगने को कहा तो देवी ने उनसे विष्णु को अपने वचन से मुक्त करने को कहा, वापिस वैकुंठ ले जाने का आग्रह किया। बलि ने भगवान को वचन से मुक्त कर दिया, तब वो विष्णु भगवान के संग वापस वैकुंठ लौट आई। इस प्रकार रक्षा सूत्र का काफी महत्व माना जाता है। इस तरह लक्ष्मी जी ने राखी बांध कर अपने पति की जान बचा ली। भारत में कई स्थानों पर राखी को अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। राजस्थान में इसे इंदिरा मराखी कहते हैं। वहां पर भाई की पत्नियों को चूड़ा राखी बांधने की रीति है। चूड़ा राखी भाभी की चूड़ियों और राम राखी केवल भगवान को बांधती है। रेशम के धागे से ऐसी राखियां बनाई जाती हैं। इन्हें बांधने से पहले कच्चे दूध से अभिमंत्रित करके फिर बांधा जाता है। इसके बांधने के बाद भी सब भोजन करते हैं। वहीं ऐसे ही अंतरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। भारत में जगह बदलने के साथ ही पर्व को मनाने का ढंग बदल जाता है। इसी कारण से तमिलनाडु केवल उड़ीसा के दक्षिण में इसे अवनी अवितम के रूप से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से पहले तक श्री हरि झूले में दर्शन देते हैं, परंतु राखी के दिन से ये दर्शन समाप्त होते हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा भी इसी दिन समाप्त होती है। वहीं भाई बहन की बात, उनके प्यार की बात, आज हम राखी का त्योहार कुछ अलग ढंग से भी मना सकते हैं। ये सिर्फ भाई बहन का नहीं, हर रिश्ते के साथ हम निभा सकते हैं जिसे हम बेहद प्रेम करते हैं। हर किसी रक्षा के लिए हम ये त्योहार मना सकते हैं। आज के समय में हमें अपने सबसे अवश्य मित्र की रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। तात्पर्य ये है कि हम वृक्षों की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं। आने वाले समय में वृक्षों की इतनी कमी हो जाएगी जिससे जीवन संकट में आ जाएगा। तो यदि पर्व ना सही पर कुछ खास अवसरों पर हम ये वृक्ष लगाकर उनका पालन पोषण कर सकते हैं तो आप ये अपने आने वाले जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक गहरी बात है, इस पर विचार जरूर करिए। वही कहा जाता है कि पत्नी भी अगर अपने पति को राखी बांध देती है तो पति का भी धर्म होता है कि वो उनकी हर एक रूप में रक्षा करे। सिर्फ भाई का धर्म नहीं होता। शादी के बाद पत्नी भाई के नहीं बल्कि अपने पति के घर पर रहती है, इसलिए उनका भी धर्म होता है कि वो इस तरीके से अपनी पत्नी की रक्षा करे। जी हाँ, तो आपको बता दें राखी का बंधन सबके लिए बहुत पवित्र होता है। अब राखी का त्योहार आ रहा है, आप लोग भी अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए राखियां खरीदने जा रहे होंगे। ये फेस्टिवल ऐसा होता है जो बहनों के चेहरे पर खुशी और भाई के जिंदगी में खुशी ले आता है। इससे पता चलता है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।